कांग्रेस के पूर्व विधायक अदिति सिंह 24 नवंबर को बीजेपी खेमे में शामिल हो गईं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अदिति सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की, साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और प्रियंका के इस बयान पर पलटवार किया, जिसमें प्रियंका ने कहा था कि वो खायर हैं, वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। इसके जवाब में अदिति ने कहा, इसका मतलब वो कहने की कोशिश कर रही हैं कि पूरा हिंदुस्तान खायरों का देश है। मैं पहली महिला नहीं हूं जो कांग्रेस छोड़कर जा रही हूं। मुझे तो लगता है कि अब कांग्रेस में बचा ही कौन है। कहीं ना कहीं उनकी नीतियों में बहुत ज्यादा कमी है, जिसके कारण लोग उस पार्टी से किनारा कर रहे हैं। सदर सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर अदिति का कहना था कि मैंने सदर सीट से ही चुनाव लड़ने की सोची है, लेकिन पार्टी आलाकमान जो भी निर्णय लेगा मैं उस पर काम करूंगी। वहीं मीडिया ने अदिति सिंह से जब बीजेपी ज्वाइन करने का कारण पूछा तो अदिति का इस पर कहना था कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी के कामों और कार्यशैली से काफी प्रभावित हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित थी, और जैसे वो इतनी मेहनत करते हैं, खासतौर से हमारे अपने मुख्यमंत्री जी, और जितना ऑनेस्टी से वो काम करते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित थी। पूरे 5 साल मैंने खुद उनकी कार्यशैली ऑब्जर्व करी, क्योंकि सदन में उनके साथ काम करने का मौका मिला, और उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। बस आप सब आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से अच्छा काम कर सकूं अपनी जनता के लिए, और जो एक लोकप्रियता मेरे क्षेत्र ने, मेरी जनता ने हमारे परिवार को दी है, मेरे परिवार को मुझे दी है, बस मेरा बस इकलौता लक्ष्य उसको कायम रखना और अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, यही मेरा प्रयास रहेगा। अदिति सिंह रायबरेली सदर से कांग्रेस की सीट पर 2017 में पहली बार विधायक बनी थीं, लेकिन अपने पिता और कांग्रेस से 5 बार के विधायक रहे अखिलेश सिंह के निधन पर अदिति सिंह का झुकाव बीजेपी की ओर हो गया। कांग्रेस से लंबे वक्त तक बगावत के बाद आखिरकार अदिति ने 24 नवंबर को बीजेपी का दामन थाम लिया।